कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा नसुमा ज़िक्र बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। अल्लाह फरमाते हैं कि जब इंसान हमारे अहकामात भूल जाता है, ये मैं सूरत अल अनआम की आयत पढ़ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 44 और 45। अल्लाह फरमाते जब हम इनको अपने अहकामात देते तो ये भूल जाते हैं, ये भुला देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इनके लिए तमाम अशिया के दरवाजे खोल देते हैं। ये अब आप देख लें किस किस पे सूट होता है, किन किन ममालिक पे सूट होता है, आप खुद ही जानते हैं। अशिया के दरवाजे किधर खुले और कौन अल्लाह को भूल गया। तो याद रखिएगा, अशिया के दरवाजे, हराम होने के दरवाजे खुलते ही तब हैं जब आप अल्लाह की अहकामात पर अमल करना छोड़ देते हैं। दैट इज द लिटमस टेस्ट एंड एसिड एंड एसिड टेस्ट जो कुरान दे रहा है। क्या कि जब तुम हमारे अहकामात भूल जाते हो तो हम तुम्हारे लिए नेमतों के दरवाजे खोल देते हैं। हत्ता इदा फरीहु बिमा उतु अखज़नाहुम बगदतन फइदा हुम मुबलिसून। फिर अल्लाह फरमाते हैं हम फिर फौरन उनकी गर्दनों से उनको पकड़ते हैं और कहते हैं आप बताओ और हिसाब तो कहाँ जा रहे हो। ये अजाब का मुस्तहिक कहीं हमारा मुल्क ना हो जाए, होने वाला है। इस इन द डिवाइन हिट लिस्ट डॉक्टर इसरार अहमद रहीमुल्लाह फरमा के थक गए, पाकिस्तान इज ऑन द डिवाइन हिट लिस्ट, बाज आ जाओ, इज्तिमाई तौबा करो, लेकिन टस से मस नहीं, नथिंग मस्ट बी डन टू द रिपग्नेंट ऑफ द होली कुरान एंड सुन्ना, दिस इज द क्लॉज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अफसोस की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको पता है, जुडिशियबल लॉज हैं, डायरेक्टिव क्लॉजेज हैं, दे आर ओनली मेंट टू बी ब्रोकन, दे आर नॉट मेंट टू बी फॉलोड। दिस इज द बिगेस्ट डाइकोटमी डायलेमा वी आर सफरिंग फ्रॉम। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो बड़ी खूबसूरत बात है। वो क्या है कि आपको पता, आपने कभी ये चीज़ ना स्टॉकहोम सिंड्रोम कभी वर्ड सुने? हाँ, एक चीज़ याद आई, आयत का आयत तो पूरी की नहीं मैंने, आगे अगला टुकड़ा तो सुने, फ़क़ुतिहा दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते फिर हम उस कौम को उसके टुकड़े ख़त्म कर देते, उनको कत्ल ख़त्म करते, उनको ऐसा हम ख़त्म करते हैं कि उनके लास्ट रेमनेंट वर्ड टू बी कट ऑफ, उनके आखिरी रेमनेंट है ना टुकड़े भी हम नहीं छोड़ते, सरसराहट, ये कुरान कहता है। फिर फकुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, फिर क्या होता है, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर लोग कहते हैं, नेक लोग जो बेचारे तंग आ जाते हैं ऐसी हुकूमत या ऐसे लोगों से, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इन लोगों को ख़त्म कर दिया। सूरह मरियम की आयत है, लास्ट वर्स में अल्लाह पाक फरमाते हैं तुमने क्या पिछली कौम का हाल ही देखा कि उनकी जरा सी सरसराहट भी नहीं रही, सरसराहट भी सुनने को नहीं मिलती। लास्ट वर्सेस है सूरह अल मरियम चैप्टर 19 के वर्स 90 से आगे पढ़ लें, और जो मैंने पहले पढ़ी थी सूरह अल अनाम चैप्टर 6 वर्स 44 एंड 45।